नमस्कार दोस्तों, हमारा एक यूनिक सोशल ग्रुप है जिसका नाम सोच सैनी है। मैं उसी ग्रुप का सदस्य हूं और मेरा नाम ललित कुमार कश्यप, मैं ठाकुर विलेज कादिवली मुंबई से हूं। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारा यह ग्रुप पिछले 2.5 वर्षों से लगातार सामाजिक, नागरिक और पर्यावरण के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले दूरगामी दुष्प्रभाव के बारे में तो आप सब जानते हैं। अब सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कराती, उस पर प्रतिबंध लगाती। इससे पहले ही हम सोच सैनी ग्रुप के मेंबर्स ने ठाकुर विलेज विद्यार्थियों के साथ मिलकर उसके विरुद्ध एक अभियान चलाया था। यह अभियान बहुत सफल हुआ था। इस अभियान का हिस्सा एक वीडियो गीत भी था जिसमें हमने सभी नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया था। यह अभियान बड़ा सफल अभियान था और यह हमारा गीत देश विदेश में वायरल हुआ था। अभी हाल ही में मैं देहरादून में था, उत्तराखंड का एक सुंदर शहर है, और जानते हैं मैंने वहां क्या देखा? जब मैं शहर में घूम रहा था तो मुझे हमारे उसी एंटी प्लास्टिक गीत के स्वर सुनाई पड़े और मेरे तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मुझे तो बहुत खुशी हुई अब यह जानने के लिए कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। मैंने नजर दौड़ाई इधर उधर तो देखा क्या, वो तो एक ट्रक से आवाज आ रही है जो सड़क पे जा रहा था। बहुत ध्यान से देखा तो ट्रक देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे कौतूहल का ठिकाना नहीं रहा और मैंने उस ट्रक का पीछा किया ये जानने के लिए कि ये माजरा क्या है और मैं इससे ड्राइवर से बात भी कर सकूं। और उस ट्रक का पीछा करते करते फाइनली मुझे वो एक गली के नुक्कड़ पर मिल ही गया। भैया ये आप ये क्या बजा रहे हो? ये ट्यूने बजा रहे हैं, इसका कूड़े के लिए ये चेन्नई कंपनी, आ जाओ बाहर आ जाओ, चेन्नई कंपनी ने दी है बजाने के लिए, इसका ये ट्यूने बजा के। और जो लोग घर घर से आके पूरा देते हैं, बहुत अच्छा ट्यूनिंग है इसमें जो बनाया है जिन्होंने सोनी ने, और जो है बहुत बढ़िया ट्यूनिंग बनाया है इसमें कंपनी ने की है ये। अच्छा, तो ये आप डेली इसको बजाते हो? डेली बजाते हैं सर, और डेली बजाने से सब घर घर से पूरा लाते हैं। अच्छा। इसमें बहुत सबको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो सैनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर, बहुत अच्छा ये ट्यूनिंग बनाया है सैनी कंपनी ने, बहुत बढ़िया। ये चेन्नई कंपनी हमें बजाने के लिए दिया था, इसमें घर घर से पूरा ले गए और जो लोग आते हैं और बहुत खुश रहते हैं इस ट्यूनिंग से सर। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? प्रताप बहादुर सर। प्रताप बहादुर, थैंक यू प्रताप बहादुर। तो ये जो गाड़ियां हैं ये हर एक गाड़ी में ये बसता है? हर एक गाड़ी में बसता है सर, ये चेन्नई कंपनी का ओरिजिन गाड़ी, 150 गाड़ी है, 150 गाड़ी में बसते हैं सर पूरे देहरादून में, पूरा देहरादून का जो है सिटी में बसता है सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे बहादुर जी, ये इनके जैसे 150 गाड़ियां यहाँ देहरादून में घूमती हैं जो कचरा गली गली में जाके इकट्ठा करती हैं, और इस गाने के द्वारा जो देहरादून के निवासी हैं उनको बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है कि वो गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करें, और ये सोच जाने का धन्यवाद भी दे रहे हैं। बहादुर जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम इस बात के इस महत्व को समझें कि कैसे एक अच्छी सोच समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। अब देखिए ना, ठाकुर विलेज में सोच सैनी ग्रुप द्वारा शुरू की गई एक नई पहल, एक अच्छी पहल कैसे देहरादून तक पहुंच गई और वो देहरादून के नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित कर रही है। हमारे सोच सैनी ग्रुप के सभी मेंबर्स की ओर से तथा ठाकुर विलेज निवासियों की ओर से, उन सभी 150 ट्रक ड्राइवर्स को जो प्रतिदिन हमारा गीत बजाते हैं, तथा देहरादून नगर पालिका को और देहरादून के सभी नगर निवासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह संदेश पूरे देश में फैलेगा और हम सभी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करके पर्यावरण को बचाने में अपना अपना सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी।